बड़ा प्रश्न ये है, हो गया आपका, कि चाहे वो नीट हो या अन्य ऐसे एग्जाम्स हो जहां पर पेपर लीक के मामले हैं, इसको दुरुस्त तो आपकी सरकार को करना है। ये मुद्दे विपक्ष को उन कमियों की वजह से मिल रहे हैं ना, अब उसको तो आप ही को गैप को फिल करना है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे नीट हो, चाहे पेपर लीक हो। शाहजी, देखिए, अगर अनुराग जी अपनी जबान और हलक का प्रयोग कम करें और अपनी बुद्धि का और कानों का ज्यादा, तो जो भी सवाल उन्होंने पूछे हैं उनको जवाब मिल गए होते। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाकी फैकल्टीज कुछ कमी चलती हैं और जबान ज्यादा चलती है, तो थोड़ा वक्फा देते अगर अपने आप को और थोड़ा विराम लगाते अपनी वाणी पर और फैसिलिटीज और फैकल्टीज पर काम देते करते, तो ज्यादा फायदा उनका होता, उनकी बाकी इंद्रियां भी ये बता दो, कम से कम कुछ भला हो जाता। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी लगातार अगर किसी ने एक आम इंसान की, आम महिला की, गरीबों की, युवाओं की अगर किसी ने बात की इस देश में, और सिर्फ बात नहीं की है, कर दिखाया है पहली बार इतिहास में, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे एक बहुत ही बुनियादी चीज इज्जत घर की बात हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में इस पैमाने पर हुई है। तो जो भी जिंदगियां हैं आम भारतीय की, खासतौर से गरीबों की, वो बेहतर हुई है। तो अगर आप सुन रहे होते तो आपको समझ में आता कि आम इंसान की ही बात हो रही थी। अच्छा, दूसरी बार राहुल गांधी जो बहुत इतरा रहे हैं फर्जी अपनी जीत पर, आपको पता है 99 जो उनके सीटें आई हैं वो 20% से भी कम है। सुनिए सुनिए, 20% से भी कम है। नहीं, मैं तो जनता के मुद्दों पे बोलिए, 18-19% आए। सुन लीजिए, नहीं नहीं भाई साहब सुनिए, और भाई साहब और सुनिए, भाई साहब और सुनिए, तो उनको तो ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिल रहे, वो थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स दे दिए आपने समाजवादी पार्टी ने, तो उनकी ऐसी हालत हुई कि कम से कम बैठ पाए। लेकिन इतना इतराना, इतना चिल्लाना, बार बार सांसदों से कहना चिल्लाओ 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 लगातार, सुनिए, आपने दिखा दिया, आपने दिखा दिया क्या कि जो पूरा झूठों का नैरेटिव था, पुलिंदा था, उसको एक्सपोज करके दिखा दिया आप लोगों ने कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। और कल जो प्रदर्शन रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बोला है वाकई में बहुत अफसोसनाक था उनके लिए। देखिए, आप निरादर है, अब आपके मन में सम्मान नहीं करना चाहते, अनादर दिखा रहे हैं आप अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन सांसदीय जो प्रणाली है, जो कार्य 146 सांसद को निलंबित कर देना एक प्रणाली में आता है, उनका अनादर 146 उन्होंने ना तो सिर्फ, अरे आप क्यों बोल रहे हैं अनुराग जी, फिर देखिए वही, जबान बंद रखिए, कान खोलिए, कान और बुद्धि उसको इस्तेमाल कीजिए, होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, हाँ, इस्तेमाल कीजिए तो और काम में आएगी आपके। अच्छा, थोड़ी अच्छा। बहुत तो कोशिश कीजिए भाई साहब, इसमें चुप रहना पड़ेगा थोड़ा सा आपको जी। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा, और बालक बुद्धि ही तो कर सकती है ऐसी हरकतें, कि एक एक करके तस्वीर दिखा रही है, अभय मुद्रा का जिक्र कर रही है, जिसका सबने, चाहे वो मुसलमान हो या और हो, उन्होंने कहा आप क्यों निराधर कर रहे हैं, आप डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव कहते हैं कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो, ऐसी बातें तो बी ग्रेट कॉमेडियन भी नहीं करते भाई साहब। तो आप अपनी तो गरिमा मेंटेन करें, अगर गरिमा आप नहीं समझते या मर्यादा नहीं समझते संसद की, सांसदिक प्रणाली की, तो एलओपी की तो इज्जत रख लेते भाई, अपनी तो इज्जत कर लेते, अपना अपमान क्यों कर रहे हैं, और जिस पद पर सवार हैं कम से कम उसकी तो इज्जत कर लेते। पहली बार आप यकीन नहीं करेंगे अनुराग जी, अनुराग जी आप यकीन नहीं करेंगे, पहली बार मुझे दिल से विपक्ष के लिए इतना अफसोस हुआ है, सहानुभूति हुई, क्या नेता मिल गया आपको, आपका होगा क्या, आपका हो गया क्या भाई मेरे। और मैं बता दूं, पीएम कह रहे हैं ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा जिस तरह से चल रहे हैं आप लोग, ये ना हो पाएगा वाला जो है आलोक जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार दो बार इनकी सरकार बीजेपी कहती रही प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जो कि हमेशा सरकार के खिलाफ देखी जाती है। ऐसे में दो बार के बाद तीसरी बार भी अगर बीजेपी को ही सरकार सौंपा है जनता ने एनडीए के साथ, 240 सीटें है ना, और आपको विपक्ष में ही जगह दी है, तो ये जनादेश कुछ आपसे भी तो कहता होगा। पीएम ने उस पूरे मूड पर एक तरह से टिप्पणी की है, उन्होंने कहा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है जो इसको जीत 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 बता रहा है। आलोक जी, देखिए, हम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे जरूर बता रहे हैं कि यह हारी हुई सरकार है, जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, यह हथियाई हुई सरकार है, ये छल और प्रपंच से जीती हुई सरकार है,
लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संख्या बल उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री तो LOP हैं, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह विपक्ष को कोसते रहे, और ऐसा लग रहा था कि जो विपक्ष है वो सरकार से ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहा है जो वास्तव में आज के मुद्दे हैं। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले एक महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई, NTA चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, फिर माफी मांगनी पड़ी? NTA में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और RSS के लोगों का, उनके बच्चों का, कि NTA के चेयरमैन को बचाना पड़ा? झूठ ना बोलिए, वापस आता हूँ। झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना पाप है। कोई झूठ नहीं बोला, अंजना जी चुप कीजिए, इनको महिला है, इनका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल झूठ बोला, शांत कीजिए अंजना जी, शांत कीजिए इनको, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ठीक है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर, शांति से बैठ। HRD मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने शब्द वापस लिए। झूठ बोलना पाप है। उसके बाद अभी बात आई, नहीं झूठ तो बोला आपने भी, अभी फिर आई बात वापस, झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा, एक चिट्ठी लिखकर के, झूठ बोलना पाप है। वापस आइए मुद्दे पर, शहादत की बात हुई। अरे भाई, शहादत के बाद LIC का पैसा या इंश्योरेंस के पैसे को आप शहादत के पैसा कहते हैं, ये झूठ है। चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और सच ये है कि जब मुंबई में हमारे जांबाज सिपाही और जांबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सच है। बात आती है भ्रष्टाचार की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, अटल सेतु हो और जो रोज आए दिन पुल गिरते चले जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला है? क्या एक भी मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में डाला है? पूरी तरह से बताइए, दिल्ली का जो यहां पर एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? और आप बात कहते हैं कि साहब गरीबों की जिंदगी, शाजिया जी अभी गरीबों की जिंदगी की बात कर रहे थे, गरीबों की जिंदगी का क्या हाल है? कल डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 150 लोग मर गए और एक डॉक्टर तक उनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। और जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपको रोज परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। किसानों की आय डबल कर देंगे भाइयों बहनों मित्रों, 3200 रुपए से घटकर 27 पर आ गई। अभी शाजिया जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की, इन्होंने कहा कि भगवान की शिव की प्रतिमा को दिखाना कॉमेडी है, ये बीजेपी के लिए कॉमेडी कह रही है। मैं चाहूंगा कि शाजिया जी अभी तुरंत इसी समय माफी मांगे और NCERB के आंकड़े पढ़े कि महिलाओं पर अत्याचार कितने बढ़े, SC ST आप फिर पढ़ाई रिमाइंड कराइए उसको, आप फिर रिमाइंड कराइए उसको, क्या कहा आपने? आपने कहा शिव जी की प्रतिमा को दिखाना, देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाना, यहाँ पर कॉमेडी है। ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के, झूठ बोलना पाप है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग कुछ भी कहें और चुपचाप निकल जाते हैं। इन लोगों ने जितना धर्म की आड़ ली है, जिस तरह से बेरोजगारों के ऊपर भावनात्मक अत्याचार किया है, जिस तरह से महिलाओं के नाम पर महंगाई बढ़ाकर उनको जिस तरह से जवाब देना जरूरी है, देखिए लोगों को, मैं समझता हूं कि देश के साथ कितने सालों से बोल रहे हैं आप, पूरी तरह से माफी मांगी सबसे पहले आपने सबसे पहले जो कहा उसके लिए माफी मांगी। आपने कहा कि शिव जी की फोटो दिखाना, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे, मुझे बताइए शिव जी की फोटो दिखाना या किसी धर्म के गुरु की फोटो दिखाना कॉमेडी है क्या? अरे मैं बोल रहा हूं, क्या शिव जी भगवान की फोटो दिखाना कॉमेडी है? माफी मांगिए पहले आप, अरे भाई सबसे पहले माफी मांगिए आप, आलोक जी आप सबसे पहले माफी मांगिए, सबसे पहले झूठ आप सबसे पहले माफी मांगिए, आवाज नीचे कीजिए, आलोक जी आपने बोल लिया, जवाब सुनिए, आपको सिखाया जाता है, ठीक है, अब जवाब नहीं 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 जवाब सुनिए, अब आपकी आवाज नीचे, आलोक जी मैंने आपको पूरा मैंने क्या बोला है, मैंने राहुल गांधी जी जो कॉमेडियन, सुनिए भाई साहब झूठ ना बोलिए और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप झूठे हैं और आपके लीडर से आप सीख रहे हैं, मैं आपको ब्लेम नहीं करती, लेकिन आपका और पर्दाफाश किया जाएगा। आपने क्या कहा LIC, आपने क्या कहा LIC के, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ये देखिए ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं और कितना पैसा मिला है, 1,03,00,000, और ये बाकायदा कहां से आया ये भी दिखा दूं मैं आपको और दुनिया को बता दूं किस कदर कितने कट्टर झूठे आप हैं।
और ये पूरी तरह से आया है सेना भवन से और ये आरटीआई के जरिए किसी ने निकाला है और उसमें पूरी तरह से अजय वासुदेव बोस जो मरे थे लाइन ऑफ ड्यूटी में उस अग्निवीर को 1,03,000 रुपये मिले हैं और 10,000 अलग से मिले हैं और ये LIC से नहीं मिले हैं। जो इंश्योरेंस कवर होता है उसके जरिए और एक्स ग्रेशिया जो दिया जाता है क्योंकि कॉम्पेंसेशन की अमाउंट है जिसको राजनाथ सिंह ने भी फटकार कर उनको चुप कराया था, उसके आगे उन्होंने फिर बदल लिया था अपना पैतरा। ऐसे ही जब वो एग्रीकल्चर पर बात कर रहे थे और MSP की बात कर रहे थे तब भी जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने अपना पैतरा बदला। अच्छा आलोक भाई, इतने सालों से आप वही राग अलाप रहे हैं, कोई यकीन भी नहीं कर रहा। 18% भी नहीं मिल पाया, पूरे देश की 18% वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को दिया है वोट, थोड़े तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए। अच्छा दुनिया भर में जाके आप नगाड़े पीट रहे हैं कि PM जवाब नहीं देते, जब PM बोलते हैं आप लगातार नारेबाजी करते हैं और राहुल गांधी इशारा करते हैं। फर्क देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो झूठ तो आपका पर्दाफाश का तो हो गया, पूरी तरह से झूठ का पर्दाफाश, लेकिन जो तुलना लोग करते हैं कहां प्रधानमंत्री जी कहां राहुल गांधी जी, वो राहुल गांधी जो हाथ में लाने लगते हैं, जो हर एक नियमों का उल्लंघन करते हैं, और तस्वीरें दिखाना भी उल्लंघन है, और जिस तरह से कभी आंख मारते हैं कभी झप्पी लेते हैं, कल तो बाकायदा कह रहे थे और चीखो और चिल्लाओ। और वो दूसरे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कांग्रेस के एक MP को जो खुद पानी पीते हैं तो उसको भी देते हैं। भाई साहब थोड़ी शालीनता, थोड़ा तहजीब, थोड़ी एक गरिमा मर्यादा की जहां बैठे अनुराग जी। और अच्छा, एक एक सवाल तो सुनिए अपने पद की, एक बार एक सवाल अनुराग जी और सत्य जी से एक बार चले। अनुराग जी अभी आप 400 पर कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे, जनता ने पकड़ लिया। सर आपके जैसा मैं ड्रामा तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 सीट हम जीते, 79 सीट हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं। राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को कहा बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। 21 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी 100 सीट भी नहीं पा रही है। उसके बाद से लालू यादव ने भी ऐसे ही कहा ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा 200 से अधिक सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी 11 मई 2024 को। ये मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है, तो इस पर भी एक कबड्डी हो जाए। देखिए समाजवादी ने साफ साफ बोला था इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से मशीनरी का और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत का दुरुपयोग किया, अगर नहीं करती तो सच में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और हारी हुई खुद मानती है अंदर अंदर से। उनके कितना घमासान चल रहा है उनसे आप मिलकर पूछ के बता देंगे आपको। झूठ बोलना पाप है, अच्छी बात है शाजिया जी, ये बात तो आपने क्या बात कह दी। झूठ और जुमला कौन करता है इस देश के अंदर में, आम जनता जानता है। झूठ और जुमलों की राजनीति इस देश में कोई पार्टी करती है तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी। तो भैया झूठ और जुमला बोलना पाप है, इसके लिए आपको बधाई। कम से कम बहुत दिनों बाद समझ में आया, 240 लाने के बाद आपको समझ में आया और शायद पूरी तरह से समझ जाएंगे जब आप 40 पे आ जाएंगे। तीसरी बात, अग्निवीर की बात बार बार आप कर रही साजिया जी, प्रधानमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सारे सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अग्निवीर 4 साल के लिए चुना जाता है। कम से कम इतना तो सोच के बोल देते कि भैया हम तो 5 साल के लिए, अग्निवीर जो युवा है जो बेचारे जिसकी जिंदगी दांव पे लगती है जो बॉर्डर पे भी जाके लड़ेगा और वो मात्र 4 साल के लिए उसको नौकरी देंगे आप? जरा सा एक मेरी बात पूरी करें, जवाब आप ही देंगे पूरा करें। उसके बाद मजेदार बात है, आप देखिए इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में हो गई, कितनी बड़ी घटना है हथरस की, कितने लोगों की वहां मौतें हो गई, किन की नाकामी की वजह से, बहुत बड़ी घटना है। किसकी नाकामी की वजह से, जांच हो रही है और ये देखना है कि प्रायोजित नहीं है। तो सही कह रहे हैं आप, मानिए आप सरकार की इंतजाम किसको करने थे, वहाँ पे इंतजाम करने के लिए आपको आपको व्यवस्था बनानी थी, वहाँ पुलिस सिस्टम लगाना था, वहाँ पानी की व्यवस्था करनी थी, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी थी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी थी। 80,000 लोगों का परमिशन आपने दिया है, 2.5 लाख लोग आ गए हैं। DM क्या कर रहा था, SSP क्या कर रहा था, SP क्या कर रहा था, SDM क्या कर रहा था, ADM क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, कितने लोगों की जान चली गई और आप आके यहाँ बोला झूठ बोलना पाप है, ये आप बोल के बच सकते हैं क्या? झूठ बोलना पाप है, ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ अन्याय कर रही है, चाहे कोई भी पर्चा लीक से लेके व्यवस्था तक आप इंतजाम नहीं कर पाते, यहाँ 10 आदमी को लेकर खड़ा हो जाएगी समाजवादी पार्टी तो आप 144 धारा लगा के लाठी मार के बंद कर दोगे। अगर 10 आदमी लेके हम हजरतगंज चौराहे पे खड़े हो जाए आप बोलोगे 144 धारा लगी हुई है और लाठी मारेंगे अंदर बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ 80,000 लोग आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं, नींद में सो रहे हैं DM साहब, इनके ऊपर में गंभीर मुकदमे होने चाहिए। एक बात, दूसरी बात,
आप तो कह रहे थे पार्लियामेंट की बड़ी दुहाई दे रहे थे, कितना सम्मान आप लोग वही वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब नेता चिल्ला रहे थे उनको पानी दिया, वही मैं कह रहा हूँ, पीएम ने पानी दिया और कहा कि पी लीजिए आप लोग, चिल्ला रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात, प्रधानमंत्री जी पानी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा एक आग्रह है, आपके माध्यम से कर रहा हूँ, सरकार से भी कर रहा हूँ, आप सांसदों का सम्मान कीजिए। जो सांसद एक्स हो गए हैं, भूतपूर्व सांसद हो गए हैं, उस संसद में रहे हैं, आज आपने नए सांसद उनकी एंट्री बैन कर दी है, आप उनकी एंट्री अलाउ करवाइए। लोकसभा स्पीकर भी एक दिन एक्स एमपी होंगे, यहाँ जो पीएम साहब भी एक्स एमपी होंगे, सब एक्स होते हैं, तो कम से कम इतना ही सम्मान करना है। पीएम साहब ने आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, जो एक्स एमपी है उनको जाने के लिए अलाउ कीजिए, जवाब दीजिए नए भवन के अंदर। अच्छा क्या गुना किया एक्स एमपी ने आपको? ये नहीं, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप एक्स एमपी को नहीं आने देंगे जो मंत्री रहे हैं? आज एक्स हो गए तो आपने नए सदन में उनसे आने से रोक लगा दी? ठीक है, क्यों भाई, किस बात का डर है आपके? इस बात पर विचार की? नहीं, विचार नहीं, गंभीरता से बोलिए। मैं बहुत गंभीरता से, मैं बहुत ऐसे टालने वाले अंदाज में नहीं, कोई टालने वाले अंदाज में नहीं, बोलिए गंभीरता से। पहली बार हाथरस में जो घटना हुई वो बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, जिम्मेदारी बिल्कुल उस पर फिक्स होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी आ रहा हूं आलोक शर्मा जी की बात पर, गंभीर घटना पे हाथरस, हाथरस बता दिया मैंने आपको। अरे मुलायम कौन होगा? जो भी दोषी है वहां पर, जो लोकल प्रशासन है, जिसने अनुमति दी, जो वो बाबा हैं, क्या क्या घटना हुई वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो दोषी है जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उस पर सजा होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप समाजवादी पार्टी में कब से हैं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 100-150 लोग मर गए थे। घटना को लेकर बीच में नहीं बोलते क्या? 2024 बोलने दीजिए, अनुराग जी बोलिए। आलोक आपके साथ डिसिप्लिन की बड़ी समस्या है। आलोक शर्मा जी मोबाइल नीचे रखिए, आपसे संबोधित कर रहा हूं। मुझे शर्म आता था इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले गरीबों का किसी बैंक में खाता नहीं खुलता था साहब। 55 करोड़ जनधन खाता खुला, गरीब इससे एड्रेस हुआ। उनको कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था और उसमें आधी महिलाओं को कनेक्शन मिला, उनके नाम पर मिला है। आपको यह भी शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को डूब कर मर जाना चाहिए शर्म से कि इस देश में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी महिलाओं के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा कि गरीबों को घर मिला, पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करना पड़ा 70 साल बाद, आपकी 55 साल की सरकार रही, राशन देना पड़ा क्योंकि गरीबी थी, 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए देना पड़ा, उनको गरीबी रेखा से निकाला है फिर भी राशन दे रहे ताकि वो फिर गरीबी रेखा के वापस ना चले जाएं। 10 सालों में जो सरकार चली उसने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की और स्थापित करके दिखाया। आपके समय तो आज ये घोटाला, आज वो घोटाला, फल्ला घोटाला, यहां अटैक हो गया, आज वहां अटैक हो गया, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही जीरो थी। यहां तक हुआ कि आपके समय में तो नोट उछाला गया क्योंकि आपकी पार्टी के घटक दल उस नोट को बांट रहे थे न्यूक्लियर डील पर। यह स्थिति देखना पड़ा इस देश को। आप क्या चाहते हैं? सदन वैसा ही चले? सदन गरिमा से चले। राहुल गांधी उस गरिमा सदन को, उसकी गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे कि 3 बार जनता ने सीधा उठा के फेंका है। ठीक है, 99 सीट लाए आप, 327 सीट अकेले लड़े थे, कई राज्यों में आपका खाता नहीं खुला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो केरल में भी खाता खोला है और एनडीए नगर 292 सीट जीती है। आप ये 400 की कबड्डी बता रहे थे ना, हमारा स्कोर बड़ा था, हम 292 पे आए, हम स्वीकार करते, लेकिन हमें संविधान ने कहा कि आप 292 पे सरकार बनाइए और चलाइए, हम चलाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। जो वादा हमारा संकल्प पत्र से लेकर एनडीए का जो भी वादा है उसको पूरा करेंगे।